Hey everyone, welcome back to my channel. So my name is Upasa and I hope you all are doing great. तो आज हम लोग आए हैं सैन डिएगो जू एंड हम लोग मम्मी पापा के साथ घूमेंगे पूरा सैन डिएगो जू एंड इट्स अ वेरी बिग जू और साथ में दैट्स रियली वेरी फेमस जू क्योंकि सैन डिएगो का जो जू है बहुत ही ज़्यादा फेमस माना जाता है. तो ये एक अलग ही अपनी एक यूनिक चीज़ है जू. तो आज मैं आपको सैन डिएगो का जू घुमाऊंगी और साथ में सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगी. तो लेट्स गो विद मी. मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग सैन डिएगो जू एंटर कर रहे हैं. ये मम्मी पापा जी और ये आगे चल रहे हैं एंड अब हम लोग इसके साथ में एंटर करने जा रहे हैं. एंड आपको पार्किंग दिखा दूंगी, कितने सारे लोग आ चुके हैं ऑलरेडी हमसे पहले. Now we are going to enter into the San Diego Zoo and I am so much excited. Yay! It's a very big lion. So ये तो है guys the entrance of the San Diego Zoo. तो यहाँ पे मम्मी पापा ने बोला एक पिक होनी चाहिए भाई. And that's really very unique and it's very big. हम लोग ने सैन डिएगो जू के अंदर एंटर कर चुके हैं. ऊपर देखो ना वो मोर बिट है. हाँ कितना क्यूट लग रहा है. ये ओपन में कैसे आ गया ऐसे? अच्छा यहाँ पर सैन डिएगो का मैप आपको मिल जाएगा तो इजीली आप यहाँ से मैप भी ले सकते हैं. साथ में आप के लिए स्कैन भी कर सकते हैं. सो यू विल गेट द मैप टोटली. सो हम लोग ने यहाँ पर मैप ले लिया है और हम लोग मैप के थ्रू जाएंगे. एंड आपको मैं दिखा देती हूँ कि सैन डिएगो जू इज वेरी वेरी बिग. एज यू कैन सी द मैप ओवर हियर. यहाँ पे ओवरऑल जो टोटल मैप लगा हुआ है यू कैन सी कि कितना ज़्यादा बड़े एरिया में ये पूरा जू बना हुआ है. एंड इट्स वेरी बिग जू. मतलब आई थिंक अब पूरा दिन भी अगर इसमें लगाएंगे तो आई डोंट नो कि कंप्लीट होगा कि भी नहीं होगा. बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कंप्लीट करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर से लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे ना तो हम लोग ने पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करी थी बट फिर भी कुछ चीज़ें रह गई थी. बट चलो अब इस पर पेरेंट्स से मज़ा आएगी पेरेंट्स के साथ तो और भी. तनिष्का क्या कर रही हो? टिंग में ही हम लोग को फ्लेमिंगो वो बर्ड्स दिख गई थी तो सोचा चलो यही देख ले. ये फ्लेमिंगो बर्ड्स एंड इट्स वेरी बिग. इसकी जो गर्दन होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है एंड इसके पैर भी बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं एंड इनका जो कलर होता है वो पूरा ऑरेंज कलर होता है. मम्मा इसके लेग्स देखिए बिल्कुल यूनिक और अलग ही दिख रहे हैं. एक पे खड़ा है वो. हाँ ये वाला ना एक पे खड़ा है. वाओ दैट्स सो ब्यूटीफुल. हॉर्नबिल ये पूरा सेक्शन जो है पूरा बर्ड का सेक्शन है. एंड पापा मम्मी मेरी हीरोइन मम्मा आई है. मम्मी बर्ड ही है मम्मी ज़्यादा. हाँ ये भी पूरा सेक्शन बर्ड का ही है. वो देखो वो येलो वाली. How
ब्राउन पिजन। ओह वाओ, ये पिजन है। हाँ, ब्लू ब्राउन पिजन। कितना बड़ा है ये, देखो। एंड दैट्स रियली यूनिक। ये कैसा कबूतर है? न्यू गिनिया एंड नियर बाय आइलैंड्स पाया जाता है। नियर बाय आइलैंड्स, न्यू गिनिया। अच्छा, न्यू गिनिया बस। एंड नियर बाय आइलैंड्स। वाओ, इधर मंकी है सबसे। हमें इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया, बट ये जो मतलब जो बह रहा है ना पानी, और ये जो पूरी ना बह रहा है ना, ये बहुत खूबसूरत बना के रखा है। हम लोग आगे बढ़ते हुए एंड ऊपर दिख रहे हैं ना, ट्रॉली चल रही है। तो ये जू की ट्रॉली है ये। अब हम लोग कोई ब्रिज क्रॉस करने जा रहे हैं, बिकॉज जब हम ब्रिज क्रॉस करेंगे तो उसके अपार्ट में हमें दूसरी अच्छी चीज़ें और दिखाई देगी। नहीं, मेरे पास है। बहुत है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये काफी अच्छा लग रहा है। वाओ, चेक आउट ये व्यू, कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा व्यू। ये ओके, एलिफेंट उटेशी। हे, स्कल है। ओ, फॉसिल वाले। OMG। वाओ, एंट ईटर है। चेक आउट दिस एंट ईटर। ये सारी चीटे चीटियां सब कुछ खा जाता है। इट्स कैपिबारा एंड वो उसका बच्चा है, छोटा सा। ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। गाइस, दैट्स रियली वेरी बिग
जू। मेरे अभी से पैर थक गए। एलिफेंट के सेंटर, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिफेंट्स हैं और कितने भी जानवर यहाँ पर हैं, कितने भी एनिमल्स हैं, सबके केयर सेंटर यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। ये सदर्न कैलिफोर्निया में अभी भी ये एनिमल्स पाए जाते हैं और पहले इतने सारे पाए जाते थे। ये एलिफेंट के लिए ही फूड जा रहा है यहाँ से। इस वाले फ्लावर पे जोक चिपकी हुई है, स्नेल। वाओ, अबाउट दिस बर्ड, इस बर्ड का नाम है सेक्रेटरी बर्ड और चल भी वैसे ही रही है। वाओ, That's really unique. ये साउथर्न कैलिफोर्निया में पाई जाती है। पापा मम्मी आगे चलते हुए पूरा जू देखते हुए हम लोग जितना कवर कर सकते हैं हम लोग ने पूरा कवर कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में है मैप और हम लोग सारा कुछ, सारे जानवर और एनिमल्स पूरे देख कर जा रहे हैं। एंड इट्स टू बिग एलिफेंट ओवर हियर। अब देखिए कि मतलब पूरे एनिमल्स को कितने बड़े बड़े एरियाज में रखा गया है, बिकॉज सच में अगर आप जू बना रहे हैं ना तो उन्हें एक अच्छा स्पेस भी दीजिए। अगर उनको अच्छा स्पेस मिलेगा तभी वो फ्रीली होकर अपना जी सकते हैं और सारा कुछ मतलब अपना मैनेज कर सकते हैं। अगर आप उन्हें छोटे से स्पेस में आप डाल दें African elephant. Camel. It's a deer. देख रहे इधर उधर, सो क्यूट, कितना छोटा सा है। दीज आर रॉक हॉपर्स और जो इनकी प्रजाति है वो चूहे की है। कैसे ना खिला रहे अपनी। सो क्यूट। कहा है पर मोंगूस था बट मेरे आते ही वो भाग गया बेचारा शर्मा के। ओके, ईगल। ओह वाओ, कहाँ की है ये?
ये सब सहारन अफ्रीका की ईगल है। OMG आधे से ज्यादा हम लोग जू को कवर कर चुके हैं एंड हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कवर करने की। ओह लाल वाले बंदर नहीं, दीस मंकीज वे कितने बड़े हो वाला। वानर सेना सच में। वो देखो जो अंदर लीडर बैठा हुआ है अंदर, वो सबको लीड कर रहा है। ये बहुत सारे इधर भी है। नाम है हेमेट्रेस बेबून और ये ईस्टर्न अफ्रीका एंड सदर्न अरेबिया में पाया जाता है। तो इसका नाम है गिलाडा। तो ये है गिलाडा और ये इथियोपियन हाइलैंड्स में पाए जाते हैं। ये जा रहे हैं मम्मी तुम यहां बैठो भाई। तो मम्मी हम इनके साथ they are fighting with each other. I don't know what happened to them. Yeah, but you gotta get out. देखने दो ना हम जो लखनऊ में निकलाया। OMG देखा तुमने लेपर्ड कितना हस्ट पोस्ट है। अच्छा खासा बिल्कुल ही। और इसका जो अभी देखो लोकेशन देख रहा है अफ्रीका एंड एशिया। इसका लोकेशन है अफ्रीका एंड एशिया। मेरे मम्मी पापा को बहुत मजा आ रहा है जू में क्योंकि इतने सही सही एनिमल्स दिख रहे हैं ना और मतलब नेचर इतना खूबसूरत लग रहा है ना, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। पूरा पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी पूरा नेचुरल बना के रखा हुआ है बिल्कुल एनिमल्स के लिए एंड यही चीज उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड सारे एनिमल्स इतने मतलब अच्छे खासे हैं, बिल्कुल खाते पीते हैं, बिल्कुल हस्ट पुष्ट है। कोई भी ऐसा एनिमल अभी तक नहीं देखा कि मतलब कमज़ोर पड़ा हुआ है या बिल्कुल बोल नहीं पा रहा है या कुछ नहीं। सारे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
बिल्कुल बहुत अच्छे से सब लोग, मतलब सारे एनिमल्स अच्छे से हो रहे हैं। पापा तनिष्का का स्ट्रॉलर संभालते हुए और तनिष्का आगे अपने पापा के हैंगे। फॉल की आवाज आ रही है कहीं से। OMG वाव की फॉल, वाव। मम्मी आइए। नहीं नहीं अभी। ये सो वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द फॉल। ये मस्त है यार, बहुत ही मस्त है। पूरी गुफा बना के रखी हुई है इन्होंने। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ बहुत। मास्क हटा दीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है। वाओ, ओ दैट्स अ बिग फॉल। पापा मम्मी फोटो खिंचवा रहे हैं। वो दैट्स रियली वेरी बिग एंड वेरी ब्यूटीफुल फॉल। तो ये हमारा फॉल हो चुका है एंड हम फॉल से वापस आगे जाते हुए कुछ तो दिखा, मतलब अच्छा सा क्या है। ओ वाह, टर्टल। Is he tethered to me or do I train him to stay? The answer is both. Because the truth is that I do have a tether on him right now to make sure his feet stay with us when he goes this far too far. It starts to hurt. Not so great. But he does have these little straps on. They are called jesses. And those are just to make sure his feet stay on the glove. But as you can see, they're nice and big and looped. They're not tight at all. They're not actually holding him in place. Because since we got him about 3 months old, we've been training him to just sit nice and quietly on the glove. And that was all he had to do. This is Benjamin's job. He is very good at it. He takes it very seriously. And when he was growing up, all of his mice would magically appear when he was nice and calm and cool and collected on my glove. So he learned over the past 11 years. It's two. Yeah. One is over there. Yeah, it's coming now. Both are very big. Yeah, tigers are, I recommend it. It's pretty up there. Like, the tigers are always out. Oh, thank you. Hi. It's so cute. You want to go?
I took one with you in it. I need it. I don't want me in it. I don't want just the bear. रहा है ना, सोच रहा है मुझे लगता है। ये इधर है, ये वो है, ये कि अगर आपको एनिमल को खिलाना है तो उसका एक अलग वो है फीस और वो सब उसका टिकट, जिसमें आपका एनिमल से काफ़ी क्लोज वो करवाते हैं। ये देखो मेरे को खिला रहे हैं उसको। पापा इधर देखो, मम्मी very big guys. Look at the little behind. Yeah. It's a little behind ghost. That's so big. Yeah. So big. I know. Oh, maybe it's like salt. ये गाइस बस भी अंदर चलती है पूरे जू में। अगर आप लोग पैदल करके कवर नहीं करना चाहते तो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द बस। हम लोग 10 बजे आए थे और अब बज रहा है 2। बहुत पूरा एटलीस्ट हमने आई थिंक पूरा कवर कर ही लिया है, थोड़ी बड़ी चीज़ें रह गई है वो भी हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं साथ में मम्मी पापा। पापा मम्मी को भी बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे कि अरे हम थक गए, क्योंकि सारे एनिमल्स इतने अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे एंड तनिष्का भी अब मेरी गोदी में सो गई, तो हम लोग थोड़ा रुकते जा रहे हैं, धीरे धीरे देखते हुए जा रहे हैं, देखते हैं आगे आगे और क्या मिलता है।
मम्मी पापा भी बैठ रहे हैं आराम से अपना, क्योंकि अब वो भी थक गए। आसमान कितना ज्यादा ब्यूटीफुल एंड बिल्कुल ब्लू दिख रहा है गाइस, चेक आउट इट, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर।